हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल व्लॉगर्स 1K47। और मैं हूं आपके साथ शौर्य दत्त। और आज हम कोई व्लॉग शूट नहीं कर रहे हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक साइंस का मॉडल जो मेरे छोटे भाई ने रेडी किया है। बहुत ही अच्छा मॉडल है और उसने जो बनाया ये अपनी खुद की मेहनत से बनाया है, यूट्यूब से देख देख के। और कैसे बनाया है, क्या क्या टेक्निक उसने यूज़ की है, क्या क्या सामान उसने यूज़ किया है, सब चीज़ आपको बताऊँगा। मैं आपको मिलवाता हूँ उसी से जिसने ये मॉडल बनाया है। तो यह है कुशाग्र, मेरा छोटा भाई, जिसने ये मॉडल प्रिपेयर किया है। सबसे पहले आप ये मॉडल देखो। तो हेलो कुशाग्र। हेलो। तो कुशाग्र, जब आप इस मॉडल को बना रहे थे या फिर जब आपने इस मॉडल को बनाने का सोचा था तो आपके माइंड में क्या आया था सबसे पहली चीज? आज की साइड में काफ़ी चोरियां होती हैं, तो चोरियों को रोकने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो भले ही मोस्टली घरों में कैमरा लगे होते हैं, लेकिन फिर भी चोर चोरी करके भाग जाता है। उसके बाद भले ही इन्वेस्टिगेशन चलती है, लेकिन अगर चोर फिर भी पकड़ा नहीं जाता तो हमारा नुकसान होता है। ओके कुशाग्र, तो आप सबसे पहले हमें यह दिखाइए कि ये जो मॉडल आपने प्रिपेयर किया है ये वर्क कैसे करेगा, बाकी की बात हम उसके बाद करेंगे। ये मैंने ऑडिनो अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से बनाया है, तो जैसे भी कोई चोर बैक साइड से एंटर करेगा तो अलार्म बजेगा। ओके कुशाग्र, तो अलार्म वर्क कैसे करेगा आप हमें पहले वो दिखाइए। तो हम घर की बैक साइड पे पहुंच गए, तो ये हम बैक साइड पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है, तो जब इसकी वेव्स यहाँ से गुजरेंगी तो सपोज ये कोई थीफ है, अगर वो बैक साइड से जंप करके आएगा तो आपका अलार्म बजने लगेगा। तो ये देखिए गाइस, अलार्म बज गया है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये अलार्म 10 सेकंड तक वर्क करता है, या फिर हम इसमें अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड तक हमें इसे वर्क करवाना है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इंडिकेट करने के लिए एक बजर और लाइट लगाया है। तो ये तो बाकी एक कमाल का मॉडल है यार। तो अब ये अलार्म बंद हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइट भी ऑन हो जाती है जब अलार्म वर्क करता है। तो लिटरली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और अच्छी सोच है जो कि कुशाग्र ने इसको मॉडल को प्रिपेयर किया है, तो दैट इज़ वेरी गुड आई थिंक।